प्रत्येक इंसान पुण्य कमा रहा है। अब पुण्य कैसे बढ़ता है? अब पुण्य बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? मन से, वचन से और कर्म से। दिया गया दुख आपकी बोली, आपकी जुबान से अगर कोई बोली निकल रही है, बोली निकली और गोली जैसी जाके लगी किसी के दिल पे, तो इसका मतलब कि आपने बोली से पाप कर दिया। सिंपल, बहुत अच्छा है। पाप कैसे होता है ये आप समझ लो। हाँ, बोल दिया और बोला भी ऐसा कि लगा कि चाकू ही मार दिया, तो वो बोली का पाप हो गया। और मन से, यानी कि बोलेंगे नहीं, करेंगे कुछ नहीं, और अंदर अंदर कब इसका बर्बादी हो, कब इसकी जिंदगी का बैंड बजे, कब इसकी बेटी की शादी कटे, कब इसके घर में सास बहू की लड़ाई हो, बड़ा मजा आएगा उसे। हाँ, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर से कुछ नहीं कर रहे हैं, और अंदर अंदर इंतजार कर रहे हैं कब बेटा इसका फेल हो जाए। हाँ, बड़ा सपना देख रहे, डॉक्टर बनाएंगे, कंपाउंडर बनेगा कि नहीं कुछ पता नहीं। हाँ, तो ये क्या है? मन से भी अगर आपने किसी के लिए बुरा सोचा तो वो मन का पाप हो गया, ये दूसरा पाप है। और तीसरा पाप क्या है? कर्म कर दिया, कर ही दिया, मन से सोच रहे हैं, अच्छा ये रोज ये जो लड़की है पढ़ाई करने जा रही है ना, कल इसको देखते हैं कैसे पढ़ाई करने जाती है, तो मैं क्या करूंगा, सवेरे इसका साइकिल पंचर कर दूंगा, हाँ देख तू चला के जा कैसे चलाती है, हाँ पढ़ ले तू, ठीक एग्जाम के दिन ही पंचर करूंगा फेल हो जाएगी, ठीक है, धीरे से पिन ही तो मारना है, पता ही नहीं चला, पिन नहीं मारो तो खोल ही दो, बस हवा ही निकाल दो, पंचर वाला कोई है ही नहीं इधर, ठीक है। तो ये क्या हुआ? कर्म का पाप, कर दिया पाप। तो या तो कर्म से पाप करोगे, नहीं तो सोचोगे पाप, नहीं तो बोलोगे पाप, यही तो होता है ना, इसके अलावा क्या होता है? और इसके अलावा कुछ नहीं होता, यानी बोली से, कर्म से और सोच से, तीन से पाप किया जाता है, तो तीन से पुण्य भी तो किया जा सकता है, तीन से पुण्य भी तो किया जा सकता है। कोई मान लो कि कोई दुखी है, कोई फेल हो गया, तो आप जाओगे, अरे क्यों हिम्मत हार रहे हो, फेल हो गए कोई बात नहीं, बहुत लोग फेल होते हैं, मैं भी फेल हो गया था, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ाई करना, अगली बार और अच्छा कर लोगे। तो ये क्या हुआ? बोली से आपने किसी को प्रोत्साहित किया, हिम्मत बढ़ा दिया, मोटिवेट कर दिया, और वो अच्छे से पढ़ाई करके और उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि बोली से पुण्य कमाना, बोली से धर्म करना। एक हुआ कि कोई असहाय है, कमजोर है, निर्बल है, तो उसे सहारा दे दिया, उसे उठा दिया, और उठाकर उस जगह पर पहुंचा दिया जहां पे उसको जाना है ना। तो इस तरीके से शरीर से आपने क्या किया, शरीर से आप पुण्य कमाओगे। और एक होता है कि मन से भी पुण्य कमाना। अब मन से पुण्य कैसे, मन से पुण्य कैसे, बहुत लोग ये भी इसी इंतजार में होंगे, अच्छा बड़ा भंडारा कर रहे हैं ये लोग 18 महीनों से, अगली बार देखते हैं कैसे होता है। तो वो क्या हुआ? मन का पाप है, देखते हैं कैसे होता है। और अगर हो गया, जरूर कुछ घपला कर रहे हैं, घर भर रहे हैं अपना, लोगों को खिलाते हैं, 2000 लोगों को खिलाते हैं, 5000 का दान मांग लेते हैं, बाकी तो अपना घर भर रहे हैं, ये क्या हुआ? ये बोली का पाप है ना। तो जीवन में हमेशा याद रखिए, न पाप छोड़ने वाला न पुण्य छोड़ने वाला है। तो भाई जब पुण्य भी नहीं छोड़ेगा, जब पाप भी नहीं छोड़ेगा, तो काहे नहीं पुण्य को ही बढ़ा लेना, पाप को क्यों बढ़ाना, पीछा तो वो भी नहीं छोड़ेगा। तो बेहतर है ज्यादा से ज्यादा पुण्य करिए।